हाय फ्रेंड्स आई एम रिच एंड वाचिंग परचम आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी 2022 एंड पर्टिकुलर फोकस रहने वाला है बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन अपॉइंटमेंट्स एंड जितनी भी सैड डिमाइस पिछले महीने में हुए हैं एमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन सभी टॉपिक को देखते हुए वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और न सिर्फ डिस्कस करेंगे निमोनिक्स की मदद लेते जाएंगे यानी कि मेमरी टेक्निक्स अप्लाई करते जाएंगे और सब कुछ हाथों हाथ याद करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका बर्डन कुछ ईज डाउन हो जाए सो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट लेटार्ट विथ टूडे स्टार्टिंग विद बुक्स एंड ऑथर्स और जो भी पीडीएफ या बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है थोड़ी देर में शेयर करते हैं एक बार एक कैटेगरी कंप्लीट कर लेते हैं सो बुक्स एंड ऑथर्स में सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है हिंदी में मैं समझाती भी चलूंगी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स गवर्नेस फ्यस गंस किताब किसने लिखी है लेखक कौन है आंसर इज डॉक्टर किरण बेदी डॉक्टर किरण बेदी जो कि आईपीएस रह चुकी हैं पुडुचेरी की लेफ्टिनेट गवर्नर भी रह चुकी है उन्होंने किताब लिखी है और किरण बेदी जी अपने फियरलेस अंदाज के लिए जानी जाती थी है ना बेबाग अंदाज के लिए आज भी जानी जाती है और उसी से हमें हिंट मिल जाता है फियरलेस किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस अगली किताब आ रही है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑपरेशन खात्मा ऑपरेशन खात्मा किताब किसने लिखी है गंजू इज द की वर्ड सो आर सी गंजू एंड अश्विनी भटनागर जी ने को ऑथर की है साथ में मिलके लिखी है और ये जो किताब है जम्मू एंड कश्मीर में जो आ, पुलिस ऑपरेशन होते हुए जिसके अंदर ट्वेंटी टू मिलिटेंट्स को टेररिस्ट को मार गिराया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे उस पर बेस्ड है तो ऐसे याद रखेंगे हम ऑपरेशन खात्मा जो था उसमें किन का खात्मा हुआ ट्वेंटी गंजू टेररिस्ट थे जो टेररिस्ट थे वो कैसे थे गंजे थे तो बस ये अगर आपने पिक्चर बना ली गंजे हैं सारे के सारे टेररिस्ट आपको गंजू याद रह जाएगा और इससे आप एग्जाम में राइट right ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे ओके चलिए सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से मैं आपको बता देती हूं पर चम क्लासेस डॉट इन ये है अपनी वेबसाइट जहां से आपको पीडीएफ मिल सकते हैं लेकिन यह भी मैं बता दूं कि जितना भी मंथली करंट अफेयर आता है वो फाइव वीडियोज में आता है चैनल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है मंथली करंट अफेयर 2022 की की 2021 अलग है वीकली करंट अफेयर की अलग है डेली करंट अफेयर की अलग है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे अच्छे से असेंबल्ड और यहां से आपको मंथली करंट अफेयर में जितने भी वीडियोस आते हैं उन सबको एक कॉमन पीडीएफ में डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड पीडीएफ ओके और ये आपको मिल जाएगा एंड ऑन योर रिक्वेस्ट हमने अब ए फोर फॉर्मैट में प्रिंटेबल फॉर्मैट में ये कंसॉलिडेटेड पी डी एफ अवेलेबल करवाना शुरू कर दिया है सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट और अगर आपने परचम ऐप आप से पूरा कोर्स बाय कर रखा है यानी सब्सक्रिप्शन ले रखा है पी डी एफ का जिसमें सभी सब्जेक्ट के सारे पी डी एफ आपको मिल जाते हैं एक साल तक तो उसमें ऑटोमेटिकली एड ऑन हो जाएगा ठीक है जी बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम या हमारा ईमेल आई डी यू कैन राइट डाउन टू आज द टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू चलो अब सारे अनाउंसमेंट हो गए

आजा, आजा, आजा। ओके, okay, जिमी को क्यों बुला रहे है? हम हम बोल रहे भाई चलो हमने सारी खरीदारी कर ली है सोनी से अब आपका टाइम है पे करने का से। से। तो जिमी आजा पे कर ओके कैन बी वन इसका ओरिजिन अथर्व ओरिजिन किताब का नाम है ग्राफिक नॉवल है जिसमें क्रिकेटर महेंद्र धोनी को नायक के रूप में दिखाया गया है अथर्व ठीक है सुपर हीरो अथर्व के तौर पे तो एक किताब किसने लिखी है रमेश थमिल मनी ने रमेश थमिल मनी तो अब मनी मनी इन्वॉल्व है इसमें राइट तो अब जो धोनी सर हैं वो सिर्फ क्रिकेट से या एंडोर्समेंट से ही पैसे नहीं कमा रहे अब वो एक नॉवल में अथर्व के कैरेक्टर में आकर के भी मनी कमा रहे हैं so सो थमिल मनी कैन बी अ हिंट फॉर यू नेक्स्ट इज बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी ऑथर्ड बाय सागरिका घोष ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है सीधा एक स्टेटमेंट आपको दे दिया है कि किताब का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इज द बुक कवर सागरिका घोष ने ऑथर की है सो so, अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज uh, द सागर ऑफ पॉलिटी यू नो वो एक एरा थे वो एक दौर थे पूरी पॉलिटिक्स के अंदर और उनके समय में ही वॉज ही वॉज द हीरो दी आईकन इन पॉलिटिक्स वैन आई वॉज अ चाइल्ड राइट तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वॉज दी सागर

ओके okay? और इनकी एक और किताब लास्ट आई थी हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर सो अब ही इज राइटिंग मोर ऑन द सोशल कॉजेज या फिर सोसाइटी ओरिएंटेड टॉपिक्स पे किस डिजास्टर क्लाइमेट डिजास्टर कैसे हम रोकें या पेंडेमिक कैसे रोकें बिलगेस साहब ये बता रहे हैं इज ऑलरेडी क्वाइट अ पिक्चरफुल थिंग इनके लिए कोई हिंट लेने की हमें जरूरत नहीं है अच्छा आप में से कुछ बच्चों का ये सवाल आता है कि मैम ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में तो पूछा नहीं जाता सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर केटरिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हम सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाते हम सिर्फ एस एस सी किया हम सिर्फ एनडीए की या हम सिर्फ किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी नहीं करवाते जो मंथली करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं अगर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से रिलेटेड सवाल आता है तो आप फॉलो करिए उस वीडियो को इसीलिए हमने पार्ट्स किए हैं वीडियोज के ताकि आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आज के जो वीडियो का कंपाइलेशन है जिसमें हम बुक्स ऑथर अवार्ड एंड ओबिचुरीज डिस्कस कर रहे हैं ये वनडे एग्जाम में एससी में एनडीए uh, में रेलवे में इस तरह के एग्जाम में ये सवाल देखने को मिलते हैं तो वही बच्चे इसको देखें राइट right? अगला जो कंपाइलेशन आएगा स्टेट न्यूज पे आएगा उसके साथ में साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस पे आएगा फिर एक नेशनल न्यूज हम कवर करते हैं जिसके अंदर हम बैंकिंग एंड फाइनेंस का अलग से सेक्शन रखते हैं फिर हम इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन भी अलग रखते हैं तो हमने कैटेगराइज ही इसलिए किया है कि आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाए आपको लगता है कि मेरे एग्जामिनेशन में इस तरह का कवरेज आता है तो वॉच दैट वीडियो गॉट इट चलिए चले okay.

के अलावा बाकी सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो है ये जो फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल 21 ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अलावा से थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हो अलवा जी अलवा ओके okay, चलिए आप सीधे भी याद कर कर सकते हैं ऑफकोर्स मैं जो हिंड देती हूँ ऐसा नहीं है कि आप इसी से फॉलो करिए बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड दम यूजफुल हमें बहुत सी मेल्स और कमेंट्स आते हैं कि मैम थोड़े से हिंड दे दिया करिए याद करना ईजी हो जाता है और वही चैलेंज भी आता है करंट अफेयर्स अथा अवेलेबल आपको हर जगह मिल भी जाएगा कंपाइलेन साइड शायद थोड़ा दी, तीन चार आप साइड्स देखेंगे लेकिन दिमाग में डालना इज द चैलेंज इसलिए आई ट्राई एंड हेल्प यू पीपल ओके लेना है लीजिए नहीं लेनी ट्रिक टेक्निक्स बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द्रायोलॉजी बुक सीरीज टाइटल्ड इंडिया दैट इज भारत कोलोनियलिटी कलोनियालिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रायोलॉजी बुक सीरीज का मतलब है तीन पार्ट में किताब आएगी एक पार्ट आ चुका है दूसरा आएगा तीसरा आएगा सो फर्स्ट पार्ट जो था वो 15 अगस्त 2021 को रिलीज हो गया सेकेंड पार्ट अब जून 22 में होगा और तीसरा जून 23 में आएगा इस किताब के ऑथर कौन है टाइटल क्या है इंडिया दैट इज भारत और कोलोनियलिट colonial, कलोनियालिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की गई है जे साई दीपक ट्रायलॉजी है और तीन नाम में सी भी आ रहे हैं अलग-अलग और इनके नाम में भी तीन पार्ट है जे साई दीपक चाहो तो ये हिंट पकड़ सकते हो और इसके अंदर बता रखा है कि कैसे-कैसे इंडिया अलग-अलग दौर से गुजर के और आज की शेप में पहुंचा है देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हराइजन कैसे कैसे हमारे रिलेशन चेंज हुए हैं ओवर द टाइम जब हम कोलोनियल पास्ट से बाहर निकले हैं और हम आगे किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं अफ्रीका और इंडिया का आपस में क्या इंगेजमेंट पूरे दौरान रहा उसके बारे में डिस्कशन करेगा राजीव भाटिया ने ये किताब लिखी है तो देखो इंडिया और अफ्रीका एक कोलोनियल पास्ट शेयर करते हैं दोनों के ऊपर राज करता था ब्रिटिश है ना ब्रिटिश हालाँकि बहुतों पर राज करता था पर क्योंकि इंडिया अफ्रीका की बात है तो राज किया गया था तो राजीव भाटिया कैन बी अंट फॉर यू पीपल अगली किताब बुक टाइटल्ड अ नेशन टू प्रोटेक्ट अ नेशन टू प्रोटेक्ट किसने लिखी है प्रियम गांधी मोदी ने और अ नेशन टू प्रोटेक्ट पे जो आपको इमेज दिख रही है वो भी मोदी जी की है क्योंकि ये हाईलाइट करता है पीएम नरेंद्र मोदी का रोल कोविड क्राइसिस में क्या रहा एक कंट्री को अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने में उसी थीम पे बेस्ड ये किताब है मोदी जी के ऊपर है प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है नो हिंट नीडेड चलिए अगली किताब की ओर बढ़ते हैं हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पाइनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पाइनियर क्या होता है एक ऐसा इंसान जो पहल करे किसी चीज में जिसको देख करके अब आगे लोग वही काम और करेंगे सो so, पाइनियर उसको कहते हैं वन हु इज समथिंग राइट एंड दैट बिकम्स अ सक्सेस और एन एग्जाम्पल सो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्राथ टैगोर स्पाइनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन किसने लिखी है आंसर इज उमा दास गुप्ता श्री निकेतन और रविंद्रनाथ टैगोर जी का आपको एसोसिएशन पता होगा कई बार हम पढ़ चुके हैं सो रबींद्रनाथ टैगोर जी नोबेल रॉरियर रहे हैं नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं विलेज रिकंस्ट्रक्शन का काम ओके okay, इन्होंने किया था और कहा पर श्री निकेतन में वेस्ट बंगाल के अंदर श्री निकेतन में उन्होंने एक विंग ऑफ विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह श्रीनिकेतन को डेवलप किया और उसी के ऊपर ये किताब है उमा दास गुप्ता जी तो आ, इसको सीधे याद रख लीजिए बहुत कुछ ढंग का हिंट है नहीं सो देने का सेंस नहीं है और आखिरी बुक्स एंड ऑथर्स में फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी के कंपाइलेशन में आ रही है किताब नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी गई बायोग्राफी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब किसने लिखी है सो आंसर इज गिल साहब गिल साहब यानी नवदीप सिंह गिल नवदीप सिंह गिल और स्पोर्ट्स ऑथर हैं और नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो फेबर 2022 में रिलीज हुई हैं जिनके बारे में डिस्कशन uh, रहा या फिर न्यूज में आ सकती है अब हम बढ़ेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ पहला सवाल आ रहा है आपके सामने और ये है रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां निकलती हैं इसको टैब्लो बोलते हैं उससे रिलेटेड सो टैब्लो ऑफ विच स्टेट हैड बीन सिलेक्टेड दी बेस्ट

पॉपुलर चॉइस अवार्ड भी रहे जिसके अंदर कैटेगरी जिसमें जनता वोट कर सकती थी सो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जनरल पब्लिक ने वोट किया माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू और उनके रिजल्ट्स क्या रहे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट तीनों जो सर्विसेज हैं आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स उसमें बेस्ट मार्च कौन से कंटिजेंट की रही इंडियन नेवी की रही एक तो ये पॉपुलर चॉइस अवार्ड था और बेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसका टैब्लो सबसे बेस्ट लगा जनता को दैट वॉज महाराष्ट्र उनकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायो सिंबल्स ऑफ महाराष्ट्र ओके अपार्ट फ्रॉम दैट जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट उनके टैब्लो होते हैं तो उस कैटेगरी उस में जॉइंट विनर्स रहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो थीम थी टेब्लो की दैट वॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सिविल एविएशन की थी उड़े देश का आम नागरिक और ये सारी कहीं ना कहीं बातें जैसे आपने उड़े देश का आम नागरिक और व्हाट वाज इट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये सब हम न्यूज़ में कई बार पढ़ चुके हैं तो आप रिलेट कर लेंगे ठीक है सो उत्तर प्रदेश का बेस्ट टेबल्यू पॉपुलर चॉइस के अंदर महाराष्ट्र का बेस्ट टेबल्यू और तीनों जो फोर्सेज हैं उनमें जो इंडियन नेवी थी वो बेस्ट रही और मिनिस्ट्रीज की बात करें तो एजुकेशन और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चलिए जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नेम द विनर ऑफ रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस इन 2021 ये पहले अनाउंस हो चुका है न्यूज में हमने पढ़ लिया है पर अब दिया गया है तो वापस न्यूज में आया रामानुजन प्राइज जो होता है वो किस किस फील्ड के लिए दिया जा जाता है ये भी सवाल बन चुका है तो मैथमेटिक्स की फील्ड के लिए दिया जाता है यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है और टू के लिए किसको मिला है नीना गुप्ता शी हैज बिकम द सेकेंड फीमेल फ्रॉम इंडिया टू हैव रिसीव दिस अवार्ड सबसे पहले कौन सी फीमेल को मिला था दो हजार अठारह के अंदर रीताव्रता मुंशी को ओके okay? एंड uh, ये जो uh, नीना गुप्ता जी हैं ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता से एसोसिएटेड हैं और पहले भी यहीं से एसोसिएशन रही है प्राइज विनर्स की ओके okay? और चलो अब यहाँ पर आपका पहला सवाल आ रहा है जो आप आंसर करेंगे कॉमेंट सेक्शन में कि जो रामानुजन प्राइज़ है इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में दिया जाता है कौन से ईयर से दिया जाने लगा है इट वॉज फर्स्ट अवर्डेड इन विच इज योर क्वेश्चन नंबर यू विल स्टॉप राइट डाउन इन यूपन सेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड देन ठीक है प्रोफेसर गुप्ता लाइक आई वॉज टेलिंग यू सेकेंड फीमेल एंड फोर्थ इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है बहुत प्रेस्टिजियस ऑनर होता है पहले तीन जिनको ये अवार्ड मिल चुका है वो देख लीजिए 2006 में राम सुजाता ही वॉज दी फर्स्ट पर्सन टू हैव रिसिव दिस अवार्ड फ्रॉम इंडिया देन अमल इंदू कृष्णा और फिर रीता प्रता मुंशी पहली फीमेल अगर पूछा जाए तो रीता प्रता मुंशी हो जाएंगी पहला पर्सन पूछा जाए तो रामदोराई सुजाथा हो जाएंगे और रिसेंट मोस्ट पूछा जाए तो नीना नीना गुप्ता हो जाएंगी और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है डिसम्बर ट्वेंटी टू को टू प्लस टू या टू की टेबल हम सारी मैथ की शुरुआत यहीं से करते हैं ना जैसे थोड़ा बहुत टेबल शुरू सिखाएं तो दिसंबर दिसंबर 2022 आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवार्ड अंडर एफिशियंट एमपी कार्य uh, क्रम खासदार कैटेगरी फॉर दर ट्वेंटी 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 क्वेश्चन समझिएगा कि एक अवार्ड है किस नाम से दिया जाता है एटीन लेट राव लिमे अवार्ड क्यों दिया जाता है जो भी एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा राज्यसभा में जो भी बहुत एफिशिएंट लोग होते हैं और उनको नाम दिया जाता है कार्यक्रम खासदार उनको ये एक एक अवार्ड दिया जाता है एक लोकसभा से एक राज्यसभा से ओके okay? सो so, वो इस बार 2020 और 21 के लिए किसको मिला नितिन गडकरी जो कि यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के कौन अनाउंस करते हैं अवार्ड नाशिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय ये अवार्ड देता है एंड uh, ये वन ऑफ मेंबर्स ऑफ विधान परिषद सिलेक्ट करते हैं एंड वन ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा जो कि एफिशिएंट एमएलए या एमपी होंगे ठीक है सो so, इस बार एमपी के कैटेगरी uh, के अंदर मिला नितिन गडकरी जी को नेक्स्ट इज विच बैंक अब दो तीन सवाल हम बैंकिंग कैटेगरी से देख लेते हैं अवार्ड ओके विच बैंक हैज बीन फिलिसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डी अवार्ड फॉर द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बाई the कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सी आई आई ने कौन से बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2021 ट्वेंटी है कर्नाटका बैंक कौन सा बैंक है कर्नाटका बैंक तो इन्होंने कोई नाटक नहीं किया इस बैंक ने नहीं नहीं हम पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो इनको डी एक्स अवार्ड मिला है दो हजार इक्कीस का सी आई आई की कुछ ट्रिव्या है जो यहाँ दी हुई है यू कैन इधर टेक स्क्रीन शॉट और टेक नोट ऑफ इट और में आपको मिल जाएगा ट्रिविया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज मैं हर बार बताती हूँ कि करंट अफेयर से जुड़े हुए कई बार स्टैटिक सवाल पूछ लिए जाते हैं जैसे कर्नाटका बैंक अगर न्यूज़ में रहा है तो कर्नाटका बैंक के हेड का नाम पूछ लेंगे हेड ऑफिस पूछा जा सकता है फाउंडेशन ईयर पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली अगर आप बैंकिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो तो इसलिए ट्रिविया मैंशन कर दी जाती है फिर हम आते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर ट्वेंटी 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 वन अवार्ड किसको दिया गया है सो आई सी आई सी आई बैंक के एम डी एन सी ई

कैटेगरी के अंदर लार्ज बैंक कैटेगरी और अगर हम बात करें स्मॉल बैंक सेगमेंट में तो साउथ इंडियन बैंक फॉरेन बैंक सेगमेंट में तो सिटी बैंक ठीक है अच्छा इसके अलावा भी देख लीजिए बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव पेमेंट करने के अलग अलग तरीके सो बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव पब्लिक बैंक की बात करें तो एस को मिला है प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक को मिला है और ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की कुछ ट्रिव्या आपको दिख रही है ओके वेरी हैप्पी पीस ऑफ न्यूज जो आपने जनवरी के अंदर देखी हो फेब्रवरी के अंदर देखी होगी ऑस्कर नॉमिनेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जो कि बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की स्टेज तक पहुंच गई है और पहली बार ऐसा हुआ है नॉमिनेशन कैटेगरी में तो उससे रिलेटेड ये खबर है ऑस्कर नॉमिनेशन दो इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर राइटिंग विथ फायर हैज बीन नॉमिनेटेड इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी नाइनटी फोर्थ अवार्ड्स जिनको अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई तो दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर नाम आपको ध्यान रखना है रिंटू थॉमस रिंटू थॉमस एंड सुषमित घोष रिंटू एंड सुषमित घोष ने बनाई है और ये किसके ऊपर बेस्ड है खब, खबर लहरिया खबर लहरिया जो कि इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली न्यूज़पेपर था जो कि एक दलित वुमेन ने चलाया था उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है खबर लहरिया और इनको नाम दिया इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को राइटिंग विथ फायर ओके अपने आप में सब कुछ बहुत विजुलाइजिंग जैसा है तो याद रहेगा और इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है इसमें किसी और फॉरेन कंट्री का या प्रोडक्शन हाउस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन जो कि फाइनल नॉमिनेशन तक पहुंचा है और ये जो ऑस्कर्स होने वाले अकेडमी अवार्ड होने वाले सेरेमनी सत्ताइस मार्च को हॉलीवुड के डोलबी थिएटर्स में होगी ठीक है जी अब आ जाते हैं एक अगली खबर पे एक इंडियन सॉरी uh, एक uh, एक बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं बिल गेट्स और इनको पाकिस्तान के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है सो so, वही सवाल है आपसे हु बीन कॉन्फर्ड विद हिलाल ए पाकिस्तान हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022 आंसर इज बिल गेट्स बिल गेट्स को यह अवार्ड मिला है और क्यों क्योंकि को चेयर करते हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो कि सोशल वर्क एंड ऑल करती है और uh, इन्होंने पोलियो और पॉवर्टी इराडिकेशन में पाकिस्तान में जो भी काम किया है उसके चलते है, इनको हिलााले पाकिस्तान मिला है अगला सवाल यहां पे आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन बताइएगा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान का कौन सा है ये तो सेकेंड हाइएस्ट हिलाले पाकिस्तान मिला हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान में कौन सा है जैसे इंडिया की बात करें तो भारत रत्न दिया जाता है, है ना तो पाकिस्तान में हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है जल्दी से कॉमेंट करके बताएंगे चलिए आगे चलते हैं

मनोज सॉरी प्रमोद अग्रवाल प्रमोद अग्रवाल अच्छा चलिए बताएंगे आपसे सवाल करें आई होप मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है नवरत्न कंपनी है या मिनी रत्न कंपनी है ठीक है चलिए बताइए कोल इंडिया लिमिटेड मैंने आपको महारत्न नवरत्न कंपनी के ऊपर अभी रिसेंटली एक वीडियो करवाया है कवर तो जल्दी से बताइए कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्न कंपनी आई रियली होप मैंने यहाँ लिखा नहीं है ना महारत्न नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी चलो राइट टेल मी दिस सो प्रमोद अग्रवाल जी ने ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये रिसीव किया बिकॉज इज द चेयरमैन नेक्स्ट प्रेजिडेंट कलर्स प्रेजिडेंट कलर्स विच रेजिमेंट यूनिट विच रेजिमेंट यूनिट वर ऑनर्ड विद प्रेजिडेंट कलर्स ऑन फेब्रुवरी ट्वेंटी थर्ड प्रेजिडेंट कलर्स वन ऑफ़ द मोस्ट रिप्यूटेड अवार्ड्स है जो कि दिया जाता है हमारी आर्म्ड uh, फोर्सेस को और इस बार कौन से रेजिमेंट की यूनिट को ये मिला है सो पैराशूट रेजिमेंट की चार यूनिट को प्रेजिडेंट्स कलर्स से नवाजा गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम एम नारव ने उन्होंने प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स जिसे निशान भी कहा जाता है चार बटालियंस को दिया है पैराशूट रेजिमेंट की एंड वो कौन सी चार बटालियन है 11 पैरा स्पेशल फोर्स 21 पैरा स्पेशल फोर्स 23 पैरा एंड 29 पैरा यानी 11 पैरा 21 पैरा 23 पैरा एंड 29 पैरा को ये दिया गया है और लाइक आई टोल्ड यू ये वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट ऑनर होता है जो मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है उन्होंने जो भी स्पेशल सर्विस दी है टू द कंट्री वॉर के टाइम या पीस के टाइम उसके चलते चलिए फिर हम आते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जिसके ऊपर पूजा मैम ने अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपका लिया था बर्निंग इशू में सो so, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 अनाउंस किए गए फरवरी के अंदर फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा झुकेगा नहीं है ना सो so, पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर मिला है उसके अलावा बेस्ट फिल्म मिला शेर शाह को और उसके अलावा बेस्ट क्रिटिक फिल्म सरदार उधम को तीनों ही मूवीज देखने जैसी हैं अलग अलग फ्लेवर है तीनों का आप आ, जब पढ़ाई से थोड़ा बोर हो जाए टाइम निकाल सकें तो देखिएगा टुकड़ों टुकड़ों में ही सही ठीक है सो पुष्पा फिल्म ऑफ द ईयर देन बेस्ट फिल्म बेस्ट फिल्म शेरशाह एंड बेस्ट क्रिटिक्स क्रिटिक्स जो कि एक ज़ूरी देती है वो सरदार उद्धम को मिला है अब बात करें क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर सबसे पहले तो बेस्ट एक्टर देख लीजिए बेस्ट एक्टर मिला रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला कृति सानन को मिनी मूवी के लिए ओके उसके बाद क्रिटिक्स का देखें तो क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मिला सिद्धार्थ मल्होत्रा को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस मिला कियारा अडवाणी को शेर शाह के लिए ठीक है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री अभी तक तो आशा पारीख जी को यह अवार्ड मिला है और बेस्ट डायरेक्टर केन घोष केन घोष को

इंडिया ओके देन ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ मेडीबडी 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 नाम से समझ में आ रहा है दवाइयों से रिलेटेड होगा कोई प्लेटफॉर्म बिल्कुल सो so मेडीबडी के नए ब्रांड एम्बेस्डर हैं अमिताभ बच्चन और इंडिया लार्जेस्ट डिजिट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म की तरह ये उभर रहा है मेडीबडी देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दो हज़ार असेंबली इलेक्शंस के पहले ये अनाउंसमेंट आया है और कौन है अक्षय कुमार अक्षय कुमार इज दी न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड बिहार के अंदर खादी और जितने भी क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है मनोज तिवारी को मनोज बिहार रोप्स इन मनोज तिवारी एज ब्रांड एम्बेस्डर फॉर खादी पॉपुलर एक्टर अगेन और भोजपुरी सिंगर भी हैं और एम बीजेपी के एम भी हैं ठीक है जी और ये बिहार की ट्रिविया साथ में दी हुई है यू कैन कवर इट आप देन थम्स अप इतने सालों से थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सलमान खान को हम देखते थे नाउ द ब्रांड एम्बेस्डर हैज चेंज फ्रेश ब्रांड एम्बेस्डर ऑफ थम्स अप इज शाहरुख खान और जो थम्स अप है वो कोका कोला की एक ओन्ड uh, कंपनी uh, है एंड 1993 में थम्स अप को अक्वायर किया था कोका कोला ने इससे पहले शाहरुख पेप्सिक से रिलेटेड एंडोर्समेंट्स uh, मिलते थे इनको फिर बात करते हैं एडिडास की द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ एडिडास किसको अपॉइंट किया गया है मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है टीटी प्लेयर सो मनिका बत्रा आप देख लीजिए इमेजिन कर लीजिए मनिका बत्रा एडिडास के शूज पहन के खेल रही हैं मनिका बत्रा के बारे में थोड़ा देख लीजिए सवाल बन सकते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन टेबल टेनिस एट कॉमनवेल्थ दो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से होते हैं जो भी ऐसे नेशंस हैं जो एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के नॉट इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहे हैं तो उन सभी नेशंस को कॉमन वेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करवाया जाता है और उनमें पहली बार कोई इंडियन जो कि गोल्ड लेकर के आई टेबल टेनिस में वो थी मनिका बत्रा एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच टॉप 50 इन आई रैंकिंग इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग्स में टॉप फिफ्टी में मनिका बत्रा पहुंची थी ठीक है जी फिर विच प्लेयर हैज इन हैम ब्रांड ऑफ डी टू एच बाई डिश टीवी डिश टीवी डी टू एच आता है उसके ब्रांड एम्बेस्टर के रूप में किसको आप देखेंगे अब ऋषभ पंत जो कि क्रिकेटर है ऋषभ पंत अच्छा ये आपके लिए सारा एक कंपाइलेशन यहीं डाल दिया गया एक्स्ट्रा इन्फो के तौर पे प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर नॉट टेकिंग पीडीएफ या फिर आप हैंड नोट्स ले लीजिएगा सो so यहाँ पे सारे जो अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेस्टर्स बने हैं ऋतिक रोशन फॉर गेम्स ट्वेंटी फोर सेवन रमी सर्कल अक्षय कुमार हमने पढ़ लिया दिशा पाटनी पढ़ लिया अमिताभ बच्चन हमने पढ़ लिया पंकज त्रिपाठी कृषि नेटवर्क के देन शाहरुख खान गेमिंग ऐप ए ट्वेंटी थ्री के मनोज तिवारी हम पढ़ चुके हैं बिहार के हैंड खादी एंड हैंडी मनिका बत्रा हम पढ़ चुके हैं और फिर ये देख लीजिए तनीषा कोटिया एंड रदिका कोटिया अभी हम पढ़ेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये ठीक है जी यहाँ तक की बात समझ में आ गई अब देख लेते हैं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कोई प्रेजिडेंट और कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ कंट्रीज के बने हैं आ, तो जब आप कंट्री कैपिटल करेंसी ये सब तैयार करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए वनडे के लिए एसएससी एस के लिए तो उन स्टेट्स पे उन उन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस किया कीजिए जो हाल ही में न्यूज में रहे हैं जैसे कि जा है? अगर एग्जामिनर को कंट्रीज पे कुछ सवाल करने होंगे तो जो न्यूज में कंट्रीज है उनमें से पूछेगा पूछेगा तो फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री शाउमारा कास्त्रो सो आंसर इज हॉन्ड्यूराज हॉन्ड्यूराज है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है पर वैसे अगर आप देखें तो सेंट्रल अमेरिका का ही रीजन है कॉन्टिनेंट कौन सा लगता है नॉर्थ अमेरिका लगता है शावमारा कैस्ट्रो ओके okay? तो हॉन्ड्यूराज हॉन्ड्यूराज में कुछ होंडा 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 का कुछ हॉर्न ले सकते हो या होंडा कार है उससे किसी ने मार दिया किसी को सो शाओमारा शावमारा या उसमें कैस्टर ऑयल डाल रहे हो आप तो ये छोटा हिंट है बहुत छोटा हिंट है पिक्चर डाल दो एक बार आप हॉन्ड्यूराज यानी होंडा का कुछ चला रहे हो बाइक चला रहे हो उसमें आप कैस्टर ऑयल डाल रहे हो काम खत्म शाहमारा हॉन्ड्यू शाहमारा कास्त्रो हॉन्ड्योराज की नई और पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मूविंग ओवर टू मिलिट्री ऑफिसर पॉल हैनरी दमीबा पॉल हैनरी

प्रेजिडेंट कैसे याद रखोगे जब कुछ फस जाएगा तो हमारा दम निकल जाएगा निकलेगा ना so, दमीबा, हमारा दम निकलेगा जब कुछ फस जाएगा सो so, ये हिंट आपके लिए हो सकता है ये एडिशनल इन्फो आपको मिल जाएगी दैट प्रेसिडेंट रोश मार्क करोबे एंड प्राइम मिनिस्टर लसीना जर्बो वो उनकी पोजिशन से हटा दिए गए थे और जो वहां की गवर्नमेंट थी वो रिजोल्व घोषित कर दी गई थी मिलिट्री कूप होते ही ठीक है तो यहां पे आप प्राइम मिनिस्टर जिनको हटाया गया प्रेसिडेंट जिनको हटाया गया उनका भी थोड़ा सा आप मेंशन देख लेंगे अगला सवाल नेम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बीन टू पोस्ट इन 2022 इलेक्शन जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो वापस से इलेक्ट होकर के पोस्ट पे आ गए हैं कौन है फ्रेंक वॉल्टर स्टेन मेयर स्टेन मेयर कैसे याद रख सकते हो स्टेन होता है ना स्टेन यानी कि धब्बा दाग धब्बा कुछ लग जाता है कपड़ों पे खाना खा रहे हो गिरा लिया धब्बे लगे चाय पी रहे हो गिरा लिया धब्बे पान खा रहे हो गिरा लिया धब्बे स्टेन so में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं मेनी जर्म्स अगर वो स्टेन आप धो नहीं तो जर्मनी और स्टेन को आप एसोसिएट कर सकते हैं ओके देन एंटोनियो कॉस्टो एंटोनियो कॉस्टो पोर्टुगल से रिलेटेड एंटोनियो कॉस्टो इज री इलेक्टेड एस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो एंटोनियो कॉस्टो को प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का वापस से बना दिया गया आंसर इज पोर्टुगल पोर्टुगल यूरोप का ही हिस्सा है जहाँ अभी पूरी उथल पुथल चल रही है रशिया यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के एंड वी रियली सिंसियरली बिलीव के वॉर आगे नहीं बढ़े और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाए सो पोर्टुगल ओके सो पोर्टुगल बिल्कुल आप देख सकते हो ईस्टर्न मोस्ट पड़ता है यूरोप पेनजूलाइ पूरी यूरोप कंट्री का तो वहां से आप फोटो फोटो ले रहे हो या एंतोनी माई नेम इज़ एंतोनी ग एंटोनी पोर्टुगल से फोटो ले रहे हैं ऐसा कुछ सीन बना सकते हैं पोर्टुगल के लिए हिंट हो सकता है फोटो और एंथनी वो अमिताभ बच्चन आपको एंटनी के रोल में दिख जाएंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बकवास ट्रिक लग रही है सीधे याद करेंगे एंटोनियो कॉस्टो पॉर्टुगल ओके एक दिन आप अपनी कॉस्ट पे पोर्टुगल जाओगे घूमने के लिए वेरी गुड अभी के लिए आके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिए फिर हम आते हैं कला रामचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज विच सिटीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर इंडिया पे लौट आते हैं

इस चीज को मैनेज करने की तो आप चाहें तो ये कला से ऐसे हिंट पकड़ सकते हो याद करते करते जब स्टोरीज बना लोगे थोड़ी चित्र देख लोगे थोड़े इमोशंस डाल दोगे कुछ एक्सपीरियंसेस डाल दोगे याद करना बहुत सिंपल हो जाता है एग्जाम में रिकॉल तो बहुत ही तगड़ा हो जाता है अभी के केस में आप रिकॉल नहीं देख पाओगे अदरवाइज इफ़ यू वुड हैव चेक्ड यू वुड हैव नोन कि रिकॉल रेट बहुत बढ़ जाता है हमारा जब हम थोड़े थोड़े ऐसे अजीबो से तरीके अपनाते हैं याद करने के लिए एमसीक्यूज में बहुत हेल्प मिलती है चलिए मूविंग ऑर्डो नेक्स्ट न्यूज वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी अशोक कुमार अपॉइंट यू विल अंडरस्टैंड एम लाफिंग लेटर अपॉइंटेड एज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इंडिया को अपने पहले नेशनल मेरी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर मिले हैं जो कि इंडियन की जो मरीन बाउंड्रीज हैं उनका पूरा सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट करेंगे और कौन है वो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार और ये थोड़े ही समय पहले रिटायर हुए थे वाइस चीफ नेवी वाइस चीफ के तौर पे जुलाई 2021 के अंदर तो वो सॉन्ग सुनाए आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें डोंट नो आपने सुना होगा नहीं सुना होगा हमारे जमाने के गाने हैं भाई हम थोड़े बुजुर्ग खेप हो चुके हैं so, सो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे ठीक है उसमें एक अंतरा आता है जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला तो भाई जी अशोक कुमार गाना गा रहे आपकी नजरों ने समझा इस पोस्ट के काबिल हमें जी हमें मंजूर है तो जी अशोक कुमार इसलिए वो मुस्करा रही थी ये नाम सुनते ही वो गाना चल जाता है मेरे दिमाग में जी हमें मंजूर है तो जी अशोक कुमार जी ने मंजूर कर लिए फर्स्ट नेशनल मेरी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट इंडिया में आई डोंट थिंक सब आप भूलोगे इसको अगले क्वेश्चन पे आते हैं हु इज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रिसेंटली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी नए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे कौन आए हैं और किसकी जगह आए हैं जनरल ढिलन की जगह ठीक है तो नए डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बन के आए हैं जी ए वी रेड्डी इंटेलिजेंस एजेंसी को हमेशा रेडी रहना पड़ता है ऐसे काम नहीं चलेगा यहां पर अभी तो सो रहे हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देगा टो भी रेडी राइट तो ये एक ले लीजिएगा और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग जितनी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड काम करना होगा और आर्म्ड फोर्सेज जितनी भी उनको उनका डेटा प्रोवाइड कराना होता है अब कुछ बहुत एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेड्स चेंज हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन देना होगा एग्जामिनर को तो यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सबसे पहला देखिएगा हुज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ यू जी सी यू जी सी करता धरता यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के है ना सो so, uh, यूजीसी को नए चेयरमैन मिल गए हैं और कौन है ये ये हैं ओम जय जगदीश हरे भगवान की पूजा छोड़ो इनकी करो तो थोड़े एग्जामिनेशन निकलवाए हमारे है न आ, हमारे तो क्या मतलब कॉलेज वॉलेज वाले बच्चों के कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के नहीं यू के अंडर में क्या आते हैं अलग अलग कॉलेजेस आते हैं सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए चेयरमैन एम जगदीश कुमार कैसे याद हाँ रखेंगे ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती होती है वो कर दीजिए कि प्रभु जी थोड़ा निकाल दो हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को इजीली और ये पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के और उस पोस्ट पे भी अभी एक नए पर्सन आ गए हैं पंडित मिस पंडित अभी देखेंगे सोनाली सिंह इव द चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सी सोनाली सिंह ने ये आ, पोजिशन ली है लाइक आई इज टेलिंग यू जे के जो वाइस चांसलर थे जगदीश जी वो पहुंच गए हैं यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर के चेयरमैन के तौर पे तो अब इस पोस्ट पे भी किसी को आना है सो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका नाम बताइए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है पहली बार है जे वैसे ही इंपॉर्टेंट है सो so, संत श्री धुलपुड़ी पंडित ओके okay, सो so आप देख सकते हैं पंडित से याद रखिएगा एस पंडित एस पंडित शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ जे एन यू तो जगदीश जी को हटाया जगह पंडित जी आ गए कुमार नेक्स्ट हम आता है सीबीएसई की तरफ कॉलेज का हो गया स्कूल की तरफ आ जाओ सो हीज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के नए चेयरमैन के तौर पर कौन आए हैं द आंसर इज जोश वाले जोशी जी विनीत जोशी नीत जोशी अब देखो इंडिया के अंदर बहुत से और बोर्ड्स बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं आईबी है आईसीएससी है है ना तो सीबीएसई में जोश भरने के लिए विनीत जोशी जी को लाया गया है कि भैया आप आ जाइए ऐसे आप याद रख सकते हैं और ये डायरेक्टर जनरल भी हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भी फिर हम आते हैं अब सी बी एस आए हैं तो एनसीआर भी आएगा सो बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज एन सो एन को अपने फुल टाइम डायरेक्टर मिले हैं नए क्या नाम है उनका उनका नाम है सकलानी जी दिनेश प्रसाद सकलानी डी पी सकलानी डी पी सकलानी तो आ, दिनेश प्रसाद सकलानी सीधे याद रखोगे कुछ नहीं देना मुझे इसके अंदर एंड इनके बारे में कुछ और यहाँ दी हुई है कि करंटली वो प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के एच एन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में और किसको इन्होंने टेक ओवर किया ये सारी कुछ पोजीशंस हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट दिस इम्पॉर्टेंट देन एसएससी SSC तो एस एस सी के एग्जाम जो आप दोगे तो देखिए सीनियर ब्यूरोक्रैट डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एस एस सी स्टाफ सर्विस कमीशन को नए चेयरमैन मिले हैं कौन है किशोर कुमार के गाने से रिलेटेड हैं हाँ एस किशोर किशोरदा तो एस एस सी को अपने नए किशोरदा मिले हैं तो एस एस सी के एग्जाम की तैयारी करोगे पढ़ाई करोगे तो सिर्फ पढ़ते मत रहना थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बीच में किशोरदा के गाने भी सुनो मैं हूँ झुमझी आ जाओ जु वापस किशोर दा के आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है लिख के बताओ कमेंट में सिर्फ कमेंट में राइट आंसर ही नहीं दोगे आपका फेवरेट किशोर कुमार जी का सॉन्ग लिख के बताओ एसएससी में तैयारी में हेल्प करेगा ये आपको चलो आ जाओ आज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चार्टड अकाउंटेंट्स बोल रहे हैं हम भी पीछे नहीं है भैया एनसीआर को चेंज कर रहे हो हेड को आप सीबीएसई को चेंज कर रहे हो यूजीसी को चेंज कर रहे हो हमारा भी चेंज करो सो आई सी ए आई दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स अग्� ऑफ इंडिया इनको भी अपने नए प्रेसिडेंट मिले हैं कौन है देवशीष मित्रा देवशीष मित्रा ये सी ए वी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बॉस ठीक है जैसे मेडिकल वाले बहुत पढ़ते हैं सी वाले भी पढ़ पढ़ के चश्मा लगा लेते हैं कोई बहुत दुबला हो जाता है कोई बहुत मोटा हो जाता है सो so, ऐसे ही नहीं सी क्लियर होगा बहुत आशीष चाहिए होते हैं माँ बापू के मित्रों के है ना तब जाके सी निकलती है सो so, आशीष और मित्र दो चीज़ें चाहिए तो देवाशीष मित्रा आई आई के नए प्रेजिडेंट बन गए हैं चलिए फिर हम आते हैं एयरलाइंस की तरफ रुक करते हैं थोड़ा राहुल भाटी हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइन कैरियर इंडिगो इंडिगो जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट uh, एयरलाइन है मार्केट शेयर रखता है इंडिया के अंदर इंडिया बिगेस्ट एयरलाइन मार्केट शेयर है राधर और गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बेस्ड है सो so, इनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर नए तो क्या ये पोस्ट ही पहली बार आई है इंडिगो के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट लाई गई और उस पर किसको बिठाया गया राहुल भाटिया साहब को और इससे पहले सीईओ की पोस्ट चलती थी अभी भी चलती है रंजोय दत्ता उसके ऊपर विराजमान है साहब फिर अब एक एयरलाइन आई है इंडिगो तो एयर इंडिया पीछे नहीं रहनी चाहिए सो एयर इंडिया ने नए सीईओ एंड एमडी बनाए हैं नाम क्या है एलकर ए सी ए सी ए वाई सी आई है लेकिन आप ए सी देख सकते हो एयर इंडिया है एयर इंडिया बोलती हैं ए सी की क्या जरूरत है खिड़कियां खोलो एयर अंदर आएगी आराम से फ्लाइट लो हिंट है भैया हिंट है सिर्फ सो एयर इंडिया के नए एम डी और सीईओ एयर आ रही है ना तो ए सी की जरूरत नहीं है तो ए सी को हमने सीईओ ई और एम डी बना दिया है अलकर ए सी ओके अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 2022 से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ठीक है जी अगला सवाल न्यू डायरेक्टर director of Vikram Sarabhai Space एस (VSSC)? VSSC के जो हेड थे अब वो चले गए हैं इसरो के चेयरमैन बन के कौन थे वो या हैं वो एस सोमनाथ जी है ना तो एस सोमनाथ जी चले गए इसरो के अंदर सो वी एस एस सी के नए चेयर डायरेक्टर के तौर पर किसको अपॉइंट किया गया है एस उन्नी कृष्णन नायर को कृष्णन नायर तो आपको दो नाम याद रखने एस उन्नी कृष्णन नायर वी एस एस सी जो कि विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर है और यहाँ जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च एंड वर्क चलता है ये कहाँ पर है केरला के अंदर है लिखा हुआ है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम केरला में ठीक है और जो एस सोमनाथ है वो इसरो के चेयरमैन चेयरमैन बन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ठीक है साहब फिर इज द चेयरमैन ऑफ एल आई सी जिनकी टर्म है जिनकी टर्म बढ़ा करके दो, दो हजार तेईस तक कर दी गई है नाम क्या है इनका एम आर कुमार ये 2019 में इन्होंने किया था ऑफिस और अभी तक इनके एक्सटेंशन आगे बढ़ रहे हैं और ये टर्म कंटिन्यू कर रहे हैं तो मरने से पहले कर ले एल आई सी ये कॉन्सेप्ट है ना बाबा. लाइफ इंश्योर कर लो आपका पता नहीं है कभी भी कैसे भी कोई भी लुढ़क जाए हाँ शेन वॉन जी uh, के तौर पे बहुत बड़ा सदमा लगा आई मीन इट वाज जस्ट नॉट एक्सपेक्टेड एनीवेज टाइम्स आर सो अनप्रडिक्टेबल सो एल आई सी ओके आईम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ क्रिकेट पर मैंने बचपन में थोड़ा बहुत जो भी क्रिकेट देखा है एंड शेन वॉन यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स ही वॉज अ चाम राधर सो ऑफकोर्स माई हिम ऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर सेंडिंग विशेज Who has been appointed as the new chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India? I B uh, ID, uh IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India के नए chairman के तौर पे किनको appoint किया गया है Ravi Mittal. Ravi Mittal और uh, ये कब तक या तो 65 years of age या फिर पांच साल का, का कार्यकाल जो भी पहले होगा तब तक ये office assume करेंगे.

एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कोर्ट मद्रास कोर्ट को अपने चीफ जस्टिस मिल गए हैं वो अभी uh, थोड़े टाइम तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे अब वो प्रॉपर चीफ जस्टिस पोजीशन पे आ गए हैं मुनिश्वरनाथ भंडारी मुनिश्वरनाथ भंडारी uh, और ये अप्रूवल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से आ गया दैट रामनाथ कोविंद जी से आ गया है और एक्टिंग चीफ जस्टिस ये थे जब uh, संजीव बैनर्जी जी, जी uh, मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया था उनका नवम्बर दो में तो नवंबर दो से मुनिश्वर uh, भंडारी साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के अब वो प्रॉपर ऑफिस उन्होंने अज्यूम कर लिया है हु विल हेड नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट यानी कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ नदी रिवर्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे अब ये समझिए कैन बेतवा प्रोजेक्ट होना है वाटर लिंकिंग होनी है कैन से पानी बेतवा में आएगा और जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पे वाटर शॉर्टेज जो चल रही है उसको रिजोल्व करेगा और इसमें यूपी और एमपी वाला रीजन इन्वॉल्व है ठीक है अब इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनी है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और उसके अध्यक्ष के तौर पर उसके हेड के तौर पर किसको बिठाया गया है पंकज कुमार पंकज कुमार जी को बिठाया गया है और ये मुद्दे हम कई बार पढ़ चुके हैं विंध्यन रेंज से बेतवा निकलती है और जो एम और यूपी वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट से चलिए आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एजरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स विल रन द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उस आ, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि भाई अब जो भी कम्युनिकेशन होगा टी का वो एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू होगा जो भी कम्युनिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन के साथ है दूसरी बॉडीज़ के साथ है ये जो कमेटी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स है यही सारी बातचीत या कम्युनिकेशन करेगी और इस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की चेयरपर्सन के तौर पे किसको बिठाया गया है आंसर गीता मित्तल जो कि पहले जे एन के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गीता मित्तल गीता पे हाथ रख के कसम खाइए ये सब करते थे अब इनको बिठा दिया गया है कि आप कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेड बन के ये टी टी एफ आई की टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का आ, सारा कम्युनिकेशन हेड करेंगी ठीक है गीता मित्तल जी सारी कहानी समझ में आ गई चलिए फिर हम आते हैं ऑटोमेकर होंडा होंडा हॉन्ड्यूराज हौं हमने देखा था Honduras नहीं कंपनी आ गई प्रॉपर ऑटोमेकर India Limited इंडिया in 2022 इंडिया के जो सारे ऑपरेशन देखेंगे सो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड एच के नए प्रेजिडेंट एंड सीईओ के तौर पे होंडा ने किसको अपॉइंट किया है आंसर इज ताकुया सुमारा जहां भी, तो भी आ रही है मारा काटी हो रही है ऐसा तो याद रख सकते हैं तो सुमारा ये नए प्रेजिडेंट एंड सीओ हैं एंड देन uh, जो हमने ब्रांड एम्बेस्टर्स में नाम पढ़े थे तनिषा कोटिया एंड रिधिका कोटिया हु हु हैज हैव बीन अपॉइंटेड एज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एंड ऑफ गुरुग्राम तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो यहाँ दो खबर आ रही है कि इनको गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ आंदोलन ये जो पूरा चल रहा है जो मुहिम चलता है उसका ब्रांड एम्बास्टर बनाया है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये चेस से रिलेटेड है दे आर बोथ सिस्टर्स ओके एंड नेक्स्ट न्यूज़ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड समझिएगा हिंदुस्तान लिमिटेड ने एक घोषणा की अब से हम दो पोस्ट बना रहे हैं एक पोस्ट होगी सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की कंपनी के और एक पोस्ट होगी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड की ठीक है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दो इंपॉर्टेंट पोजिशन अलग अलग क्रिएट की गई है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन रहेंगे नितिन परांज और सीईओ एंड एमडी कौन रहेंगे संजीव मेहता ठीक है तो ये दोनों नाम आपको थोड़े ध्यान रखने हैं देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर हैं चेतन घाटे घाटे में नहीं जाए हमारी इकोनॉमी इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर कौन बने हैं चेतन घाटे घाटे एंड मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो पहली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी आरबीआई की उसके पहले उसके मेंबर रह है चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है भाई 2014 का महाल नोबिस मेमोरियल गोल्ड मेडल जो होता है जो इकोनॉमि को दिया जाता है बहुत प्रेस्टिजियस ऑनर है वो भी ये जीत चुके हैं और आई थिंक ये आखिरी खबर है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की नेम दी सीईओ ऑफ ओ बैंक हुज री अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय आई डी ने आई बैंक के एमडी और सीईओ के पोस्ट uh, पे री अपॉइंटमेंट के लिए किसका नाम अप्रूव किया है आंसर इज राकेश शर्मा अभी भी सीईओ एंड एमडी थे और वापस से ये बनेंगे ठीक है जी विद दिस वी आर डन विद ऑल दी अपॉइंटमेंट्स और अब बारी आती है जो भी सैड डिमाइज हुए हैं जो भी एमिनेंट पर्सन हमें फेब्रवरी ट्वेंटी के अंदर छोड़ के गए हैं और जो ऑफकोर्स पॉपुलर फिगर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रह चुके हैं एग्जामिनेशन परसपेक्टिव से जरूरी है उनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं शुरुआत करेंगे लता मंगेशकर जी uh, से जिनका हाल ही में निधन हुआ लता मंगेशकर जी के बारे में अब आपको सारे अवार्ड्स बहुत सारे हालांकि शी शी इज नो इंट्रोडक्शन इनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज बहुत कुछ बहुत से लोग जानते हैं स्टिल एक बार पूरी जो इनकी अवार्ड्स की लिस्ट है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दादा साहब फाल अवार्ड 1989 में इनको मिला था भारत रत्न 2001 में पद्म विभूषण पद्म भूषण सब सम्मानित हो चुकी हैं ये शी वॉज ऑल्सो एन एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं थोड़े से समय के लिए कम लोग जानते हैं इस बात को नाइनटीन से नाइनटीन uh, सॉरी से दो तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा के उस तौर पर इनको नॉमिनेट किया गया था फर्स्ट एवर इंडियन जिन्होंने प्रेस्टीजियस रॉबर्ट एल्बर्ट हॉल लंडन में परफॉर्म किया शी वॉज वन सच ग्रेट पर्सनैलिटी उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने इनको कॉन्फर किया था ऑफिसर ऑफ द लेज़न ऑफ ऑनर ओके 2007 में जो कि कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर 2007 के अंदर लता मंगेशकर जी को मिला था देन

बहुत अगेन वेरी पॉपुलरली राहुल बजाज बजाज जो पूरा एक स्कूटर कईयों के पापा पापा के पास रहा होगा मेरे फादर के पास रहा था आप मेरे से एक जनरेशन आगे के हैं तो शायद आपने नहीं देखा हो बजाज स्कूटर सो so, बजाज ऑटो के हेड रह चुके हैं फॉर्मर चेयरमैन रह चुके थे राहुल बजाज और इनको पद्म भूषण से भी 2001 के अंदर नवाजा गया था अगला सवाल जो हाल ही में रिपब्लिक डे पे पद्म भूषण पद्मश्री पद्म भूषण अनाउंस किए गए थे पद्मा अवार्ड उनमें एक नाम था श्री इकबाल सिंह किंगड़ा जी का पद्मश्री इनको मिला था सोनी से जुड़ा हुआ सवाल है व्हाट ऑज द प्रोफेशन ऑफ श्री इकबाल सिंह किंगड़ा हु अवे रिसेंटली ये एक एजुकेशनस्ट थे ओके और इनको पद्मश्री 2022 में मिला था इन्होंने जो सोशल वर्क किया है एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ तो श्री इकबाल सिंह किंगड़ा अगला जो आ, नेम है वो भी पद्म श्री इनको मिला था एंड दो हजार के अंदर ही इनको मिला uh, मतलब uh, इनका अनाउंसमेंट हुआ दैट शी विल बी रिसीविंग इट नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी क्या नाम है इनका शकुंतला चौधरी जी शी पास रिसेंटली शी हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट कौन से स्टेट से हेल करती हैं असम असम से शकुंतला चौधरी जी बिलोंग करती थी और इनको शकुंतला बाई भी बोलते थे एंड पद्मश्री इनको मिला 2022 के अंदर वट इज द प्रोफेशन ऑफ रवीश तिवारी हु हैड पास्ड अवे रिसेंटली रवीश तिवारी जी को का लॉस जर्नलिज्म की फील्ड में एक लॉस रहा कैंसर के चलते इनकी मृत्यु हुई एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट और नेशनल ब्यूरो चीफ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ में इन्होंने uh, लास्ट के टाइम में काफ़ी काम किया पॉलिटिकल न्यूज़ में रिपोर्टिंग मेन तौर पर किया करते थे बेंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी पास्ड अवे रिसेंटली और अबंग विभूषण इनको मिला हुआ था जो कि हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है बंगाल गवर्नमेंट जो देती है दो हजार ग्यारह के अंदर सो संध्या मुखर्जी कौन सी फील्ड से जुड़ी हुई है बेंगाली सिंगर थी ये मूविंग ओवर टू साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग पोएट चन्नवीर कानवी हैज पास अवे रिसेंटली प्रोमिनेंट राइटर और पोएट थे कौन सी लैंग्वेज के विच लैंग्वेज आंसर इज कन्नड कन्नड़ तो चानवीरा कानावी कानावी से आप थोड़ा कन्नड़ का एसोसिएशन दिमाग में रख सकते हैं इनको समन्वय कवि या पोइट ऑफ रिकन्सिलेशन भी कहा जाता था और इसी के आ, साथ साथ इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1981 में मिला था जीव ध्वनि इनकी जो पोइट्री थी उसके चलते देन एक आ, एक व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं है बट क्योंकि वो साइंस की फील्ड में बहुत आ, नामी व्यक्ति रहे हैं इसलिए उनका हम देख लेते हैं फ्रेंच जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं हु एच आई वी वायरस और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है नाम क्या है ल्यूक मॉन्टेग्न ल्यूक मॉन्टेग्न फ्रेंच वीरोलॉजिस्ट थे नोबेल प्राइज इनको मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ एच ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस जिससे एड्स होता है ओके एंड देन महाभारत में भीम की भूमिका निभाते हुए इनको आपने देखा होगा प्रवीण प्रवीण कुमार सोबदी भीम इन बी आर चोपड़ास महाभारत 74 की एज में इनका निधन हो गया अच्छा बहुत आ, कम लोग जानते हैं दैट ही वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो और इन्होंने ओलंपिक्स में भी देश को दो बार रिप्रेजेंट किया है हैमर एंड डिस्क थ्रो में और गोल्ड मेडल इन्होंने एशियन गेम्स में लेकर के आए थे और दो बार ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है देन पद्मश्री इब्राहिम नाबी साहिब सुतर इब्राहिम नाबी साहिब सुतर ये पास ही रिसेंटली और ये कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे सोशल वर्कर और इनको अपने फोक म्यूजिक के लिए जाना जाता था और प्यार से इनको कबीर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता था वाज फेमस एज दैट कबीर ऑफ कर्नाटका पद्मश्री 2018 में इनको आर्ट के लिए मिला था so with this my dear lovely students friends uh, fellow people so आज का जो compilation है current affairs का february 2022 ट्वेंटी टू का ये सब मिसलेनियस कैटेगरी का वो पूरा हो चुका है अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम स्टेट न्यूज़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे स्टेट से जुड़ी हुई ऐसी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे लिविंग यू विथ अ कोर्ट इफ आई हैड ओनली एन आवर टू चॉप डाउन अ ट्री ई वुड स्पेंड द फर्स्ट फोर्टी फाइव मिनट शार्पनिंग प्रेपरेशन इज द की आउटकम जल्दी लाना है तो प्रेपरेशन पे अधिकतर टाइम और एनर्जी फोकस लेकर के आइए रिजल्ट आएगा ही आएगा एक घंटा है तो फोर्टी फाइव मिनट एक घंटा पेड़ काटने के लिए तो फोर्टी फाइव मिनट सिर्फ अपनी एक्स को शार्प करना है यानी अपनी स्किल्स को शार्प कीजिए रिजल्ट विलव एट यू ओके ऑन दिस नो लाई टेक यू लीव आई रेडी होप यू फॉन दिस क्लास यूजफुल डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन Until we meet next, take very good care of yourself. Bye-bye.